केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिमालय पर्वत की गोद में, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित है तथा चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यह मंदिर साल में सिर्फ अप्रैल से नवंबर तक ही दर्शन के लिए खुला रहता है। कहते हैं पांडवों ने इसका निर्माण कराया था और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कत्यूरी शैली से पत्थरों में बने इस मंदिर में अति प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। केदारनाथ की कथा भी रोचक है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन भातृहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। उनके दर्शन के लिए वह काशी गए, पर वे वहां उन्हें नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो उनसे रुष्ट थे। इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण किया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया। तब भीम ने विशाल रूप धारण कर अपनी दोनों टांगे दो पहाड़ों पर फैला दी। अन्य पशु तो उनके टांगों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी शंकर जी नीचे से निकलने को तैयार नहीं थे। तभी भीम बलपूर्वक उन पे झपटे। बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। ये देखकर भीम ने तुरंत बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पांडवों का दृढ़ निश्चय और भक्ति देखकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में जमीन में अंतर्ध्यान हुए, तब उनके धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन चारों स्थानों को केदारनाथ सहित पंच केदार कहा जाता है। इन सभी स्थानों पे शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वी आर एट केदारनाथ। अभी हम भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ बहुत लाइन है केदारनाथ पे, तो पहले सोचते हैं हम भैरवनाथ करके आते हैं, फिर यहाँ लाइन में लग जाएंगे। केदारनाथ मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है। उसके पहले से ही श्रद्धालु लंबी कतार लगाना शुरू कर देते हैं। दोपहर 3 से 5 विशेष पूजा होती है, फिर यह मंदिर विश्राम के लिए बंद किया जाता है। शाम 5 बजे मंदिर फिर से खुल जाता है। 7:30 से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है, उसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। इतनी लंबी कतार देख के हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर भैरवनाथ हो आएंगे और फिर केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। हाय पराग, हाय उपासना, हेलो, हाय मोंटू, हाय भैरव की खाती है डैश, हेलो, वी आर हंग्री, आई नो, आई एम टू, हाय डियर, हाय। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं। यहाँ पे केदारनाथ के बिल्कुल साइड में ही है ये छोटा सा दुकान। बहुत बहुत भूख लगी है, पता नहीं अंकल अभी हमको जो खिलाएंगे हम खा लेंगे।
के चढ़ावा, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। पिछली बार 2018 में कुछ दोस्तों के साथ मैं यहाँ पहली बार आई थी। अगस्त का महीना था इसलिए काफ़ी बारिश थी। यहाँ जगह जगह उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हुई थी। ऐसे माहौल में मैं और मेरे दोस्त ट्रैकिंग कर रहे थे। जैसे तैसे बारिश में हम केदारनाथ आ तो पहुँचे। एक रात रह के दूसरे दिन सुबह हमें नीचे उतरना था, इसीलिए भैरवनाथ नहीं कर पाए थे। शायद इसीलिए उनकी इच्छा है कि हम सबसे पहले अब भैरवनाथ के दर्शन करें, तो हम निकल पड़े। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ऊपर जा रहा है पहाड़ पे रास्ता, वो जा रहा है भैरवनाथ के लिए। ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है, हम वही जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। बम बम बोले। ये आ गए भैरवनाथ जी। आज मंडे है और आज ही के दिन केदारनाथ जी और भैरवनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, और क्या चाहिए। जय भोले। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देश में जहां जहां भगवान शिव के सिद्ध मंदिर है, वहां वहां काल भैरव के मंदिर भी है। इन मंदिरों में दर्शन किए बिना भगवान शिव के दर्शन को अधूरा माना जाता है और यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ में स्थित इस भुकुट भैरवनाथ के मंदिर में हर साल केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले भैरवनाथ की पूजा पाठ की जाती है और उसके बाद विधि विधान सहित केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। भुकुट भैरवनाथ यहाँ के क्षेत्रपाल है, उन्हें भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमने केदारनाथ जी के पहले भैरवनाथ जी के दर्शन लिए। ये भी तो हमारे लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन था। जय भोले की। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, भैरवनाथ के
दर्शन करके हम जैसे ही नीचे उतरे तो देखा केदारनाथ पे लगी हुई भीड़ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मंदिर के कपाट भी खुले थे, हमें एक सेकंड भी दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा। मंदिर में हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और पूजा भी। सुना है शिवजी हमेशा अपने भक्तों का साथ निभाते हैं, आज देख भी लिया। शाम को मंदिर में प्रस्थापित पांच मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित संध्या आरती होती है। आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। जब शीतकाल में केदार घाटी संपूर्णतः बर्फ से ढक जाती है, ऐसी स्थिति में मंदिर में बसी केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखी मठ ले जाया जाता है। वही उस प्रतिमा की पूजा की जाती है। 6 महीने बाद जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाते हैं तब उसे फिर से विधिवत मंदिर में स्थापित किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का भी मुहूर्त निकाला जाता है। सामान्यतः नवंबर महीने के 15 तारीख से पूर्व मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद 13-14 अप्रैल के बाद कपाट खुलते हैं। जहाँ खड़े थे आरती के समय लोगों की ज्यादा भीड़ होने के कारण ठंड कम महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ कम होती गई ठंडी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। यकीनन टेम्परेचर माइनस हो चला था। वापस रूम में लौटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तीसरे दिन सुबह हम जल्दी तैयार हो गए। आज हमें केदारनाथ बाबा के इस सफर के अंतिम दर्शन लेके नीचे उतरना था। यह 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। भीमशिला का दर्शन अभी बाकी था, जो केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे 50 फुट की दूरी पर है। 16 जून 2013 में जब बादल फटने से केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई थी, तब पहाड़ों से गिरते हुए पत्थरों के साथ यह विशालकाय डमरूनुमा चट्टान मंदिर के पीछे आ गिरी, जिसकी वजह से ऊपर से बहता आ रहा बाढ़ का पानी और बड़े बड़े पत्थर इस शिला ने रोककर मंदिर की रक्षा की थी। जैसे कि भीम ने ही इस प्रलय में अपनी गदा गाड़कर महादेव मंदिर को बचाया हो, इसीलिए लोग इसे भीमशिला कहते हैं। महादेव का नाम लेके हमने अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी अद्भुत अनुभव लेके मैं बाबा के दरबार से फिलहाल तो जा रही थी, लेकिन फिर से वापस लौटने के लिए। यह अनोखा बंधन मुझे और मुझ जैसे कितने श्रद्धालुओं को यहाँ हर साल ले आता है। यहाँ के कण कण में महादेव बसे हुए हैं और हर कण महादेव के गीत गाता है। उस तक पहुंचने की
कठिन दूरी भी तो वही तय करवाता है। महादेव की इस देव भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकर, तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। We are back from Kedarnath towards Gaurikund. थक गए क्या? हाँ जी थक गए। ठीक है ठीक है। ये हमारे पिट्टू है, इन्होंने हमारा सारा सामान कैरी किया था केदारनाथ से गौरीकुंड तक। ये ऑलमोस्ट 500 का बैग लेते हैं, सो हमने हमारी 5 बैग्स इनको दे दी थी। अभी हम पहुँचे हैं, सो थके हुए नहीं हैं, एनर्जी अभी भी हाई है, लेकिन काफ, लेग्स, टोज, सारे पुर्जे जवाब दे चुके हैं। चलो ट्रैक तो अच्छा हुआ, केदारनाथ का ट्रैक भी बहुत ही अच्छा हुआ। आजा।